पास होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। आप फ्यूचर को अच्छे तरीके से डील करेंगे, जो भी फ्यूचर होगा सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है, और सेटिस्फाई होके आंसर देंगे। और जो चीज नहीं समझ में आए, ठीक है, मान लेते अगर कल हमको मैथ का एग्जाम है तो मैथ ही पढ़ेगा ना, कि सब सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, जो सब्जेक्ट का एग्जाम है वही सब्जेक्ट पूर्ण रूप से पढ़े उस रात्रि को। अब रात्रि में दो दो बजे तक जग जग के नहीं पढ़, दो बजे जगेंगे, तीन चार बजे पांच बजे उठेंगे, फिर खाना वाना खाओ पढ़ के भी जाना। मतलब है कि टाइम टेबल से पढ़े खाए भी सोए भी, जैसे स्वास्थ्य के लिए सोना भी जरूरत है। आपने चार घंटा पांच घंटा नहीं, छह छह और सात सात घंटा भी सोया है, इतना मैं तो जानता हूँ। जैसे कि ट्वेल्थ क्लास के बच्चे इतना जब सोएगा तो आगे चल के लत लग गया होगा, तो वहां भी अगर नहीं सो के जाएंगे तो एग्जाम सेंटर पर तो झुक नहीं आना तय है, प्रेशर भी बना रहेगा, तो टेंशन में आप लिख नहीं पाएंगे। तो हम ये चीज करें कि टेंशन को थोड़ा हटा के रखेंगे, और टेंशन दिमाग में रखने से आप अच्छे से जब लिखेगा नहीं तो रिजल्ट अच्छे नहीं मिल पाएगा। तो कोचिंग का भी एक नाम देना है आपका, अपने माँ बाप की भी नाम कमाना है, एक अपना भी नाम कमाना है। नाम कमाने के लिए दुनिया में लोग आया है, चाहे वो खराब हो या बढ़िया, दोनों चीज कमाते हैं। लेकिन नाम जब हमारे माँ बाप ने जब इतना पैसा दे के पढ़ा रहा है, और उनको अगर हम कुछ नहीं देंगे हमारा कुछ फल मिलने वाला है, मिलेगा? वो एक एक रुपया जमा करके आपको ट्यूशन फी, कलम, कॉपी, किताब देते हैं। जैसे अक्सर देखते होंगे कि माँ अगर खाना बना रही है, सबको अगर पूरा हो गया होगा, अगर एक रोटी अगर बच गया होगा तो एक रोटी खा के सो जाए, कि दूसरा अगर बनाएंगे नहीं, छोड़ देंगे। अपने बाल बच्चे को पूर्ण रूप से खिला के ही सोते हैं। तो उनकी जो ममता है, उनकी जो लगन है, वो भी चाहते हैं कि हमारा बाल बच्चे अच्छे से रिजल्ट दे। तो किसी के मुंह से ऐसा बात ना सुने कि हमारा तुम्हारा बेटा ऐसा हो गया, बेटी ऐसा हो गई, कैसे क्या पढ़ता था नहीं पढ़ता। थोड़े सा ध्यान देंगे तो वो सब ध्यान देने से क्या होगा, मतलब पढ़ना है, सारी बातों को एक ही बात आता है क्या, पढ़ना, पढ़ के जाएंगे, रिजल्ट देंगे। आपकी मनोकामना जरूर भगवान ईश्वर आपकी गॉड जो है पूरा जरूर करे, चाहे आप जिस रूप में लिखें। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, जो डाउट होगा आप बेहिचक, जितने भी सर का नंबर है आप सर का नंबर लेके बेहिचक उनके पास संपर्क में रहेंगे, ठीक है, एग्जाम तक रहेंगे। हम ही नहीं कहते एग्जाम का छोड़ देना, अगर आपके पास करियर की बात किया जाए तो ट्वेल्थ के एग्जाम देने के बाद बच्चे अक्सर मतलब तनाव महसूस करते हैं, या तो फिर फ्री होके फिर कहीं घूमने फिरने चल जाएंगे, आएंगे तो क्या करेंगे, या तो फिर बीएससी में एडमिशन ले लेंगे, एमबीए कर लेगा कोई, दिल्ली बम्बई छूट कोई टेक्निकल कोर्स तो कोई खाना। थोड़ा सा राय सलाह टीचर हो चाहे अपने भाई हो, उनका भी राय सलाह, घर में बड़े हो उनका राय सलाह जरूर लें कि हमको किस क्षेत्र में जाए। तो उन्होंने बस यही कहेगा कि तुम्हें जो चीज करना है तुम्हें करना है। वैसे माता पिता बोलेंगे जिनका खुद पता नहीं कि आगे चल के क्या बच्चे करेंगे, आप खुद होनहार हैं, खुद आपको बता भी जाता है क्लास में कभी कभी कि ऐसे लेके चलेंगे तो हम ये चीज बनेंगे, ऐसा करेंगे तो ऐसा करेंगे। तो आप ये चीज थोड़ा ध्यान देंगे तब जब परीक्षा देने के बाद, अब पढ़ाई से साथ जुड़ाव रखेंगे, ये नहीं कि परीक्षा देने के बाद बिंदास सोचना है, घूमना फिरना है, लफुए की तरह रोड पर इधर उधर करते रहना है, उससे कुछ नाम बड़ा नहीं होता, आपका थोड़े सा मनोबल नीचे गिरा देगा। किसी की अगर लत लग जाएगा तो फिर पढ़ाई आप नहीं कर पाएगा, सक्सेस नहीं कर पाएंगे। माँ बाप ने आप आईएससी करना है तो सोच के ना, अगर ऐसा नहीं होता तो आस लेके नहीं पढ़ते आप, पढ़ते कि नहीं पढ़ते, तो रिजल्ट अच्छे दीजिए, या टीचरों का इनकी भी मनोकामना पूर्ण करें, कोचिंग संस्थान का भी नाम रोशन हो। आप ऐसे स्थान पर जाएं कि जो लोग बिहार का भी नाम जाने, लेकिन जो एग्जाम देता है ना सबका इतना ही होता है, दिमाग ही इतने हैं, लेकिन थोड़ा सा पढ़ने का तरीका अलग होता है, इस टीचर को पकड़ने का तरीका अलग, मतलब टीचर की बात को कैसे पकड़ता है, हैंड राइटिंग से कैसे एग्जाम लिखता है। आप ये सब फ्यूचर सॉल्व करके आइएगा, इतना पता है, लेकिन किसी को उतने में कम और बेसी कैसे नंबर आती है, उसका तो कुछ पॉइंट होगा, कुछ बात होगी, कुछ लिखावट में होगी, तबे ना। जो टॉप टेन जैसे जाते हैं तो उनका भी दूसरा दिन और आता है, ऐसा तो नहीं है, आप ही के लिए है, आप ही जैसा है उनको भी दिन उनको भी रात। तो मेरी कहने का मतलब ये, जब वो चीज वो लोग कर सकते हैं तो आप क्या नहीं कर सकते हैं। टीचर भी सब चीज देता है, गुण दूसरा चीज का गुण नहीं देता है, ठीक है, उतना ही दिया जाता है जितना देना चाहिए। तो जब सब कुछ जब मिल रहा है तो दिक्कत क्या होनी चाहिए,
दिक्कत बस है आपको अब दिमाग में प्रेशर है कि एग्जाम कैसे जाएगा। एग्जाम प्रेशर दिमाग को जब हटा के रखे ना फिर आएगा तो देखा जाएगा। तो कब अभी घर पे जाए तो पढ़ाई लिखाई करे ठीक है। बस इसी बात को मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा।